यह सत्य है, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। बचपन में जो बांसुरी लेके भागना, शायद ऐसा ही एक दिन था, मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि वही बांसुरी एक दिन मेरी पहचान बन जाएगी। मैं अपने बाबूजी को हर हाल में खुश देखना चाहता था। मन को किसी भी तरह समझाकर मैं रोज सुबह अखाड़े के लिए तैयार हो जाता, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मैं पीछे पीछे, मुझे जो अपना अपनी जो एक लालच है, मानसिक लालच, तो वो पूरी करने के लिए मुझे दूर कहीं जाना पड़ता था। एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि आपको यहाँ से उड़ीसा जाना। जिस दिन जाने लगा उस दिन मैंने पिताजी को कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैंने पहली बार देखा उनको, उनके आंख में आंसू, एक पहलवान के आंख में आंसू, लेकिन मैंने यह निश्चित किया कि मैं जाऊंगा। बम्बई शहर मेरे संगीत की यात्रा का दूसरा पड़ाव। सुबह 7 से लेकर दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक स्टूडियो में, अपने पॉकेट में ब्रश रखा था, वहीं ब्रश कर लिया, सामने कुछ होटल में जाके नाश्ता कर लिया और काम करता रहा। हम सारी दुनिया के कलाकारों के साथ काम करें, लेकिन एक मेरे मन की जो इच्छा थी, अंतर आत्मा की इच्छा जो थी, वो यही कहते थे कि नहीं, क्लासिकल बजाओ, सोलो बजाओ, अकेले बैठो, अकेले संगीत के बारे में सोचो। अपनी माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी माँ, मेरी गुरु, मेरी गुरु माता दोनों साथ में मुझे मिल गए हैं। ये भी एक सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। उनसे मैंने जो कुछ सीखा, जो शैलियां सीखी, जिसको हम कहते हैं ध्रुपद, ख्याल, अलंकार, ठुमरी, चैती, कजरी, इतना बड़ा दर्शन, संगीत का दर्शन, मुझे नहीं लगता कि और किसी घराने या किसी के शैलियों में हो जो हमारी गुरु माँ की शैली में था। गुरु माँ सिखाती थी तो एक ही राग सिखाती थी या अलग अलग? अभी तक तो एक ही राग चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि एंड होने वाला है इस जन्म में, आगे के जन्म में भी चलता रहेगा। बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए जिनको कला से प्यार है, उनके लिए कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारी पुरानी पद्धति में, कई सौ साल पहले गुरुकुल पद्धति होती थी, तो सपना था गुरुकुल बनाने का, जहाँ बच्चे अपने आप को सरेंडर कर, गुरु उसको अडॉप्ट कर ले, ये तुम्हारा घर है, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, हम ही तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारी देख रेख करेंगे,